Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, last video में हमने shapes and designs के बारे में कुछ chapters explain किया था मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक में. Again, I will explain these chapters. आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो students. टेक्स्ट बुक में हमने पेज नंबर 61 देखा था जिसमें ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल वाले शेप्स में हमने कलर फिल किया था. वो मैंने आपको HW वर्क दिया था इन टेक्स्ट बुक्स एंड आल्सो इन वर्क बुक्स में. आई होप आप लोग ने कंप्लीट किया होगा. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स एंड सी द पेज नंबर 62 ऑन योर टेक्स्ट बुक. हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोविंग फिगर्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल्स दिए हैं. आपको ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं, काउंट करने हैं कितने ट्राइंगल्स इसमें हो रहे हैं. सो लेट अस सी एंड सी हियर दिस फर्स्ट नंबर फिगर. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो देखो ये हमारा ये पूरा एक क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइंगल्स. ओके, अब ये हमारा पूरा एक क्या हुआ, सेकेंड ट्राइंगल्स. ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर. ये फोर ट्राइंगल्स हुआ. अब यहाँ से ये हो गया हमारा फिफ्थ ट्राइंगल्स और ये हो गया सिक्स ट्राइंगल्स और ये हो गया सेवन और ये हो गया एट ट्राइंगल्स. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे ये पूरा जो है ट्राइंगल्स वो हो गया हमारा नाइन नंबर का ट्राइंगल्स. ओके, अब सेम इस साइड्स में भी ये पूरा ट्राइंगल्स हो गया टेन नंबर का ट्राइंगल्स, है ना. अब इसी तरीके से ये और ये, ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा इलेवन ट्राइंगल्स और नीचे सेम इसी तरह ये हो गया हमारा ट्वेल्व ट्राइंगल्स. तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल्स, ट्वेल्व. ओके, सी सेकेंड नंबर. अब सेकेंड नंबर में देखो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा वन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ. देखो ये भी ट्राइंगल्स बन रहा है ना फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स, ये भी ट्राइंगल्स का शेप बन रहा है. नाउ दिस वन इज आल्सो ट्राइंगल सो वी राइट हियर सेवन नंबर. ओके, दिस वन इज आल्सो एट नंबर ट्राइंगल्स. ओके, अब हमें बाहर, अभी तक हमने इनर्स वाले मीन्स अंदर की तरफ के ट्राइंगल्स को काउंट किया. अब बाहर कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे, ये एट नंबर हुआ. अब ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स, दिस वन इज नाइन नंबर ट्राइंगल्स. ओके, नाउ दिस वन ये पूरा देखोगे आप, ये एक और ट्राइंगल्स बन गया टेन नंबर का, है ना. फिर स्टूडेंट्स ये हो गया पूरा, इधर से ये देखोगे स्टूडेंट्स तो ये हो गया हमारा इलेवन नंबर का ट्राइंगल्स. ओके, ये इलेवन नंबर का ट्राइंगल्स हो गया. अब स्टूडेंट्स ये पूरा आप देखोगे, ये पूरा तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व नंबर का ट्राइंगल्स. ओके, अब ये क्या हो गया ट्वेल्व के बाद, ये पूरा ट्राइंगल्स, ये हो गया थर्टीन नंबर का ट्राइंगल्स. ठीक है, ये मैं छुपा देती हूँ. तो देखो ये एक ट्राइंगल्स बन रहा है, वो हो गया थर्टीन नंबर का ट्राइंगल्स. ठीक है, अब मैं इसे छुपा देती हूँ, मैं हाइड कर देती हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये बाहर की तरफ ये हो गया एक फोर्टीन नंबर का ट्राइंगल्स. ठीक है, ये एक दिख रहा है आपको वन और थर्ड नंबर का. देखो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया फोर्टीन नंबर का ट्राइंगल्स. ओके, अब मैं अगेन इसको हाइड करती हूँ. तो स्टूडेंट्स ये पूरा हमारा बनता है ये 15 नंबर का ट्राइंगल्स. ओके, तो ये टोटल इसमें 15 ट्राइंगल्स है. ओके, नाउ सी हियर लास्ट वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स पूरा ट्राइंगल्स हो गया एक टेन नंबर का ट्राइंगल्स. ठीक है, ये पूरा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये हो गया. देखो मेरी लाइन कहाँ जा रही है. ठीक है, मेरी लाइन पर आपको देखना है, ये पूरा हो गया
10 नंबर का ट्राइंगल्स। ओके अब स्टूडेंट्स ये 10 नंबर का ट्राइंगल्स ये हुआ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक पूरा ट्राइंगल्स हुआ, ये 11 नंबर का ट्राइंगल्स। ओके अब इसी तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 12 नंबर का ट्राइंगल्स। ठीक है ये इधर से पूरा बन रहा है 12 नंबर का ट्राइंगल्स और यहाँ से पूरा हाफ बन रहा है वो 11 नंबर का ट्राइंगल्स। ठीक है मैं इसको छुपा देती हूँ, तो देखो ये एक ट्राइंगल्स बन रहा है, ठीक है वो हो गया 11 नंबर का। अब मैं इसे हाइड कर दूँ स्टूडेंट्स तो ये एक ट्राइंगल्स बन रहा है, वो हो गया हमारा 12 नंबर का ट्राइंगल्स। और इसे हाइड करती हूँ तो मैं ये हो गया हमारा 11 नंबर का ट्राइंगल्स, है ना। अब बीच का ये पार्ट्स मैं हाइड कर देती हूँ तो ये पूरा देखो ट्राइंगल का शेप दिख रहा है वो है 10 नंबर का ट्राइंगल्स। ओके तो ये है हमारे ट्राइंगल्स हमने काम किए। ओके अब स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक ओपन करो, आपकी वर्कबुक ओपन करो पेज नंबर 78 पर देखोगे। 77 पर मैंने आपको होमवर्क दिया था फर्स्ट वाला, ठीक है उसमें आपको ट्राइंगल्स पर आपको रेड कलर करना था, स्क्वायर पर ग्रीन, सर्कल पर येलो एंड रेक्टेंगल पे ब्लू। अब पेज टर्न करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें आपको एक पिक्चर दिया है क्लाउन का और क्या बोला है, काउंट, काउंट मीन्स गिनना, काउंट एंड कलर एज पर इंस्ट्रक्शंस, आपको काउंट करना है और कलर करना है इस क्लाउन के पिक्चर्स में। ओके यू हैव टू गिवन हियर शेप्स, शेप्स दिए हैं आपको, कलर्स दिए, कलर्स के नेम्स दिए और नंबर्स दिए, नंबर का बॉक्स दिया है तो नंबर के बॉक्स में आपको सबसे पहले शेप्स को काउंट करना है। फर्स्ट इज ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंट करोगे ट्राइंगल्स कितने हैं, कितने शेप्स हैं ट्राइंगल्स के, उसको आपको नंबर के बॉक्स में लिखना है एंड यू हैव टू फिल द कलर ऑफ ग्रीन और ट्राइंगल में ग्रीन कलर करना है। ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, टोटल 7 ट्राइंगल्स है और उसमें ग्रीन कलर करोगे। ओके ये आपका होमवर्क है, फिल द कलर, कलर आपको फिल करना है। ओके अब सेकेंड शेप से स्क्वायर, स्क्वायर में आपको यू हैव टू फिल द कलर ऑफ रेड, रेड कलर फिल करना है। पहले हम काउंट करेंगे कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4 स्क्वायर है, उसमें रेड कलर करना है। फिर थर्ड में क्या है, सर्कल, तो सर्कल आप काउंट करोगे, सर्कल में आप कौन सा कलर करोगे, येलो, तो सर्कल काउंट करो फिर इसको उसका नंबर लिखो, सर्कल कितने हैं उसमें आपको नंबर्स लिखने, कितने सर्कल हैं 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है सर्कल। यू हैव टू फिल द कलर ऑफ येलो, उसमें येलो कलर करना है। फिर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल आप काउंट करोगे तो 5 हैं, ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट ये फर्स्ट हुआ, फिर रेक्टेंगल्स कौन सा होगा सेकेंड थर्ड फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ रेक्टेंगल्स में ब्लू कलर करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, कलर फिल करना है जैसे इसको काउंट किया आपने, ठीक है इसको काउंट करके लिखा उसी तरह आपको इसमें भी इसको काउंट करना है। शेप्स दिए हैं, शेप्स के सामने उसका कलर्स का नेम दिया है, आपको काउंट करने हैं शेप्स, नंबर जितना है वो आपको लिखना है और उसमें कलर फिल करना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में काउंट द कॉर्नर एंड मैच विद द नंबर, आपको काउंट करना है, COUNT काउंट मीन्स गिनना है, कॉर्नर गिनने हैं और उसे नंबर से मैच करना है। ओके चलो करते हैं, फर्स्ट इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स हियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है तो हम इसे मैच करेंगे 4 नंबर से, ये हो गया हमारा 4 नंबर से मैच। अब इसमें देखो स्टूडेंट सेकेंड नंबर देखो 1 2 3, तो इसमें कितना है स्टूडेंट्स 3 है तो हम इसे मैच करेंगे 3 नंबर से। अब इसमें कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ, तो हम इसे मैच करेंगे फिफ्थ नंबर से। ओके, फिर ये वाला देखो, इसमें कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला और ये वाला कॉर्नर नहीं होगा, ठीक है, जो मैन है वो ही कॉर्नर, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 5 से मैच करो इसे। ओके, फिर ये क्या है, सर्कल, सर्कल के कभी कॉर्नर नहीं होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जब भी सर्कल का शेप आए और आपको कॉर्नर पूछा जाए तो सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, वो पूरा सर्कल होता है, तो ये सर्कल को हम मैच करेंगे 0 से, क्योंकि सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है, उसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन मैच करो इसको 5 से। ओके, अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, अगेन मैच करो इसको 5 से। अब इसमें देखो, इसमें कितने कॉर्नर है, ये ऊपर तो सर्कल है, हाफ सर्कल है, ठीक है, ये हाफ सर्कल है, लेकिन कॉर्नर यहाँ पे 1 और 2 है, तो इसे 2 से मैच करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे ये कर्व शेप में है और ऊपर ही एक कॉर्नर्स है, तो इसे हम 1 से मैच करेंगे। ओके, अब ये गया है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, तो हम इसे मैच करेंगे 3 से। ओके, ये आपको करना है वर्कबुक में। क्वेश्चन नंबर 4, पुट राइट ऑन द शेप्स विद कर्व्स इन द फिगर गिवन बिलो, आपको कर्व के शेप्स में जो लगता है उस फिगर पर राइट टिक करना है। तो कर्व शेप्स कैसा होता है, थोड़ा सा राउंड शेप जैसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा अगर सर्कल शेप्स में हो, अगर सर्कल शेप्स जैसा लगे तो उसे हम कर्व शेप्स बोलते हैं, वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सर्कल के शेप में होता है, ठीक है, सर्कल का शेप कर्व जैसा होता है, तो जो कर्व है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है। तो ये हमारा कर्व शेप्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, आपको ये कंप्लीट करना है वर्ड बुक्स में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, इसमें आपको पिक्चर्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए हैं, जो स्क्वायर के शेप में उसे स्क्वायर से मैच करना है, जो सर्कल का शेप है उसे सर्कल से, जो ट्राइंगल है उसे ट्राइंगल से, जो सिलेंडर है उसे सिलेंडर से, ठीक है, जो कॉन टाइप है वो कॉन से, और जो रेक्टेंगल्स है उसे रेक्टेंगल से। ओके, तो ये कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा शेप है, कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, कौन सा शेप है, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसे हम मैच करेंगे RECTANGLE, ये क्या है, कौन है, ठीक है, आइसक्रीम का कौन, और जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे में आप कैप पहनते हो उसे कौन कहते हैं, ठीक है, फिर ये क्या है क्यूब, क्यूब कौन से शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, क्यूब स्क्वायर शेप में होता है, इसलिए हम स्क्वायर से मैच करेंगे। ये क्या है सर्कल, तो इसे हम पहले ये देखते हैं, ठीक है, बैटरी, तो बैटरी कैसी होती है, सिलेंडर शेप में, ठीक है, तो हम उसे सिलेंडर से मैच करेंगे। ये क्या है सर्कल, तो इसे सर्कल से मैच करेंगे। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स, तो हम उसे मैच करेंगे ट्राइंगल से। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो ऑब्जेक्ट दिए हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट के शेप से आपको मैच करना है, जैसे ये सर्कल है तो इसे सर्कल से मैच किया, अब ये चपाती है तो चपाती का शेप कैसा है, ऐसा है, ठीक है, तो उससे उससे मैच करना है, और ये क्या है ट्राइंगल का शेप, तो इसे ट्राइंगल से मैच करना है, ये है रेक्टेंगल्स, तो इसे रेक्टेंगल से मैच करना है, ये है क्यूब्स, इसको क्यूब्स से मैच करना है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको SW वर्क करना है। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।